हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का स्मूदी, यानी कि हम कच्चे केरी का स्मूदी बनाएंगे। ऐसे बनाना बेहद आसान होगा और ये ठंडा ठंडा पीने में बहुत ही मजा आता है गर्मियों के दिन में, और इसका जो टेस्ट है खट्टा मीठा वो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आइए हम बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कीमती सुझाव भी लिखें। तो आज हम बनाएंगे कच्चे कैरी का स्मूदी, लेकिन इसे आप जूस भी कह सकते हैं और खट्टा मीठा कैरी भी कह सकते हैं। तो देखिए, हम ले लिए हैं बर्फ और दो कैरी लिए हैं और चीनी लिए हैं 50 ग्राम, और थोड़ा सा हमें काला नमक चाहिए 1 छोटा चम्मच। दो हम आम लिए हैं, आम को हम छीलेंगे। थोड़ा सा आप चाहें तो भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, हम आम को पहले छील लेते हैं। सबसे पहले तो कच्चे आम तो आना बहुत दिनों से स्टार्ट हो गया है दोस्तों, तो आप क्यों ना बना के इस तरह से हम पिए घर पे, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप जरूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम आम को अच्छा से छील लेंगे छीलने वाला से। देखिए, बिल्कुल आसानी से छिल जाता है। आलू छील लेते हैं हम लोग जिससे, तो देखिए कितना फटाफट छील के ये रेडी हो गया। तो आप भी इस तरीके से आम को छील लें। उसके बाद इसका हमें डंठल हटा देना है, उसके बाद हमें सारा इसका पल्प निकाल लेना है। तो देखिए, बढ़िया से कट लगा के इसका हम सारा पल्प निकाल लेते हैं और गुठली को हटा लेते हैं। तो ये खट्टा वाला आम है, बहुत ही बेहतरीन बनेगा खट्टा मीठा इसका स्मूदी, और ये पीने में बहुत ही मजा आएगा। तो सारा पल्प को हम निकाल के रख ले रहे हैं और गुठली हम छोड़ दिए। तो देखिए, हमारा गुठली खत्म हो गया है, सारा इसका जितना पल्प था निकल गया है और सारा दोनों आम को हम काट लिए हैं। अब हम एक जार में डाल लेते हैं सारा कैरी को, और उसके बाद हम डालेंगे बर्फ। दो तीन हम बर्फ डाल लिए आइस क्यूब, और चीनी डाल ली है। चीनी जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना डालें। मैं यहाँ पे 4 बड़े चम्मच चीनी डाली हूँ और 1 छोटा चम्मच काला नमक। काला नमक को डाल के हमें इसमें 1 कप पानी डाल लेना है। देखिए, तो स्मूदी को आप गाढ़ा और पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं और ये तैयार है सर्व करने के लिए। तो मैं एक गिलास में इसे सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया, मैं इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड नहीं की हूँ, दरदरा ग्राइंड की हूँ, देख सकते हैं आप। और एक जब मुंह में आएगा ना छोटा छोटा पीस, तो बहुत ही बेहतरीन लगता है दोस्तों। तो आप जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, इस जूस को आप जरूर ट्राई करें। तो देखिए, हम एक ले लिए हैं स्ट्रॉबेरी काट के बीच से। अब इसके ऊपर मैं गार्निश कर ले रही हूँ कि थोड़ा देखने में और भी अच्छा लगे हमारा ग्लास, और ये पीने में तो वैसे भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो इस गर्मी आप जरूर बनाएं इस कच्चा कैरी से। तो कच्चे आम से स्मूदी बना के इस गर्मी जरूर आप पिए, और वीडियो पसंद आई हो तो दूसरे को साथ भी शेयर करें और लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाला नया रेसिपी आपको मिलता रहे। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।